हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, मार्केट में तो काफी खराब मूड माहौल चल रहा है एंड मंडे के लिए सारे के सारे संकेत जो है वो काफी नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। अमेरिका का जो इन्फ्लेशन का डाटा आया वो काफी खराब आया है, जिसके बाद अमेरिका के बाजार में 900 पॉइंट्स की आपने डाउ जोन्स में गिरावट देखी, 3.5% की नेस्डेक इंडेक्स में भी गिरावट देखी है एंड हमारे एडिया जो लिस्टेड है वो भी देखे आपने काफी बुरी तरीके से पिटते दिख रहे हैं। तो सारा मूड माहौल खराब है, लेकिन बड़ा पैसा बनाने का आपके लिए मौका है। आप लोग शायद जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं वो शायद ये भी सोचते होंगे कि भाई आप कंटिन्यू बाय रिकमेंड कर रहे हो, कंटिन्यू मार्केट डाउन जा रही है कंटिन्यू, और शायद मेरी वजह से काफी व्यूअर्स की पोर्टफोलियो नेगेटिव भी हो रही होगी। बट मैं आपसे एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप में से जिसने भी मेरे कहने से जो स्टॉक लिया है, देखिए मैं कभी खराब स्टॉक पे रिकमेंडेशन देता ही नहीं हूं। मैंने आपको कभी शायद कोई वोडाफोन आइडिया तो मैंने आपको इस पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करवाया होगा, ना सुतलोन एनर्जी, वो 10% ऊपर नीचे करते हैं, वो मैं आप सभी के साथ रिकमेंड नहीं करता। मैंने आपको आईडीबीआई बैंक तो खरीदने को कहा नहीं होगा, मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, मैं छोटे स्टॉक्स पे बात ही नहीं करता। मुझे पता है वहां रिस्क कितनी है एंड बड़े स्टॉक वो ऐसे स्टॉक है जो अपना प्राइस दोबारा रीगेन करेंगे नहीं करेंगे एंड करेंगे तो कितना ऊपर जाएंगे उनके बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन जो स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं वो एक ब्लू चिप स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया। मैंने आपको क्या रिकमेंड करा, मैंने आपको इन्फोसिस रिकमेंड करा है, मैंने आपको विप्रो रिकमेंड करा है, अल्ट्राटेक सीमेंट रिकमेंड करा है। तो ये कुछ लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, आईटी कंपनीज हैं, सीमेंट स्टॉक्स हैं, बैंकिंग स्टॉक्स हैं, यहीं पे आप सभी के लिए इस गिरावट में खरीदने का मौका है। देखिए कोविड आप सभी को याद होगा, उससे बड़ी प्रॉब्लम तो शायद कुछ नहीं थी, वो एक अनोखी और नई बीमारी थी पूरी दुनिया के लिए। आप सभी ने बाजार क्रैश होते हुए देखे, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा था कि बाजार दोबारा भागेंगे एंड 7,500-8,000 वाली निफ्टी 18,000 18,500 की हो जाएगी, किसी ने भी सोचा था नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि मार्केट जितनी तेज गिरती है ना उतनी तेज रिबाउंड देती है। मार्केट में सीधे पैसा किसी का बना ही नहीं आज तक, इसीलिए मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे शेयर्स लेके आया हूं जो आपको यहां पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए एंड जहां पे आपको अगले 2-3 साल में बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। एंड अगर आप ज्यादा जितना ज्यादा टाइम दोगे उतना बड़ा पैसा बनाओगे। कंपाउंडिंग की पावर बहुत ज्यादा होती है। छोटे स्टॉक्स को ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें, अच्छा स्टॉक लें जो आपको 20% ईयर की रिटर्न दे सके एंड वही 20% आपका अगले 20 साल में करोड़ रुपए बना के रख देती है। तो यही मैं बात करने वाला हूं आप सभी के साथ, अच्छे अच्छे 5 स्टॉक्स लेके आया हूं। तो चलिए गाइस एक एक करके सारे स्टॉक्स शेयर करता हूं आप सभी के साथ। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। एंड गाइस अगर ये वीडियो आपको समझ आए पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक भी कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपकी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक से लेकर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस पर या तो वीडियो बनाऊंगा या शॉर्ट बनाऊंगा। चलिए सबसे पहला स्टॉक आईटी लीडर इन्फोसिस पे। इन्फोसिस कहीं ना कहीं मुझे इन लेवल्स पे 1480-1500 रुपए पे बहुत अच्छा दिखता है। हालांकि एडीआर 2.5% डाउन है बट मैं प्राइस इस टाइम वैल्यू नहीं करता, मैं प्राइस को ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक को ट्रेड कर रहा हूं, मैं स्टॉक के वैल्यूएशन को ट्रेड कर रहा हूं एंड वहां मैं बाइंग कर रहा हूं। मुझे यहां से अगले 2 साल के आगे का देखना है, मुझे ये नहीं देखना कल कैसा होगा। मैं अगर 2 साल आगे का देखूंगा तो मुझे लगता है यहां से मेरा पैसा बहुत ही तेज एंड बहुत ही शानदार ग्रो कर सकता है। तो पहला स्टॉक मेरी तरफ से आईटी में आईटी लीडर इन्फोसिस के साथ बने रहने की सलाह है। लगभग 2100-2300 के लक्ष्य होंगे अगले 12 से 15 महीने में एंड एक बार बोनस भी डिक्लेयर हो सकता है कंपनी में, क्योंकि बोनस कहीं ना कहीं ड्यू है। 1750 के रुपए तक तो कंपनी ने खुद बायबैक करा था लास्ट ईयर, आपको याद होगा, तो कंपनी खुद फायदा नहीं कर पाई अभी तक, तो मुझे लगता है तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही है। दूसरे स्टॉक की बात करें तो यहां बैंकिंग स्टॉक की तरफ से लेके आया हूं, बैंकिंग से लेके आया हूं, और बैंकिंग लीडर HDFC एंड ICICI बैंक, कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं, ICICI या HDFC दोनों में से एक चुन लीजिए या फिर जिसकी पोर्टफोलियो में जो है उसी के साथ बना रहे। ये ना देखें कि आज ये बढ़ रहा है कल वो बढ़ रहा है, दोनों बढ़ेंगे एंड दोनों साथ बढ़ेंगे एंड दोनों ही बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स हैं, ठीक है। थर्ड स्टॉक आप सभी के लिए सीमेंट स्टॉक से लेके आया हूं, वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहां भी मुझे लगता है ये जो लेवल्स हैं ये बहुत ही अच्छी है। एंड एक और चीज अल्ट्राटेक के साथ, अगर किसी की पोर्टफोलियो में ग्रेसिम है, वह काफी बड़ी करेक्शन आई है, तो वो उसी के साथ बने रहे, शिफ्ट ना करें अपना पैसा, ग्रेसिम में भी बड़ी तेजी आएगी। तो थर्ड स्टॉक मेरी तरफ से सीमेंट सेक्टर से हो चुका है। अभी फोर्थ स्टॉक की तरफ चलते हैं एंड यहां पे मैं NBFC का स्टॉक लेके आया हूं और स्टॉक का नाम है मुथूट फाइनेंस। गोल्ड लोन के कारोबार में सबसे दिग्गज कंपनी मार्केट शेयर के हिसाब से एंड वैल्यूएशन वाइज बहुत ही सस्ते पे मिल रहा है, ये आपको काफी शानदार रिटर्न आपको स्टॉक ने पास्ट में बना के दिए। तो मेरी तरफ से चौथा शेयर जो है आपके लिए
वो मुथुड फाइनेंस का है। मेरे हिसाब से यहाँ बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, एंड क्वार्टर टू FY23 के क्वार्टर टू तक आपको सब कुछ शानदार होता हुआ दिखेगा। स्टॉक के लिए बड़ी तेजी बनेगी, लगभग 1700 प्लस के लेवल्स के हाई है, एंड अभी स्टॉक आपको 1060-70-80 पे मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एंड जो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा वही पैसा बना पाएगा, अदरवाइज जब मार्केट तेज हो जाएगी अगले 1-1.5 साल जब भी होगी आप लोग बस रिग्रेट ही करोगे मेरे हिसाब से। तो चलिए लास्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट स्टॉक जो आपके लिए लेके आया हूं वो थोड़ा सा हटके है, एंड आप उसे ब्लू चिप भी नहीं कह सकते हो। स्टॉक का नाम है IRCTC। मुझे लगता है ये मोनोपोली बिजनेस आपकी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसमें आप बेशक औरों के मुकाबले हल्का कम पैसा लगाएं क्योंकि काफी हाई बीटा है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो का हिस्सा रहना चाहिए। जिस हिसाब से इस स्टॉक ने परफॉर्म करा है मुझे लगता है ओवर नेक्स्ट पीरियड ये स्टॉक काफी अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो ये मेरे स्टॉक्स थे कुछ आपके लिए, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।